तो मेला में जो हम लोग आते हैं, जो मूर्ति रखा रहता है पंडाल में, उसके पीछे हमारे भाई जी लोगों का हाथ रहता है। इन्हीं की वजह से मूर्ति रखा जाता है और इन्हीं लोगों का सबसे बड़ा सहयोग होता है। तो मैं सबसे पहले दिल से धन्यवाद देना चाहिए इन लोगों का, इन्हीं लोगों की वजह से, इन्हीं लोगों का चंदा दिया रहता है, इन्हीं लोगों का सहयोग रहता है जिसकी वजह से मूर्ति रखे जाता है। जहाँ जहाँ पर बैनर लगा है सबसे पहले इन लोगों को धन्यवाद देना चाहिए जो जिस वजह से मूर्ति रखा जाता है। तो ये है थाना गेट मुजायकोट का पंडाल है। मैं इसलिए मॉर्निंग में बना रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि आपको देखना है तो आप सुबह में देख लीजिए कहाँ आपको जाना है, किस एरिया में जाना है मूर्ति का, कहाँ पे देखना है, कौन से पंडाल, तो देख रहे हैं ना यहाँ पे। मतलब काफ़ी डिजिटल में आप डोनेशन डिजिटल भी कर सकते हैं, देख रहे हैं ना। तो इसलिए मैं मॉर्निंग में बनाया और नाइट का वीडियो अलग रहेगा। मतलब सबसे बेस्ट हमको यही लग रहा है, बेस्ट नहीं मेरे लिए तो सब बराबर, मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ, आप लोग की कैसा है। गोपालगंज जिले का सबसे नंबर वन पंडाल मेरे अनुसार, आपके अनुसार कौन सा है बताइए। और यहाँ पे सजावट भी मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ, पूरे गोपालगंज में जितना यहाँ पे सजावट हुआ है रोड पे, आपको गोपालगंज में भी नहीं मिलेगा जहाँ इतना यहाँ पे सजावट हुआ है। आप देख सकते हैं कम से कम 1 किलोमीटर तक सजावट पूरा रोड का डेकोरेशन हुआ है, देख रहे हैं ना। और मूर्ति भी आप लोग देख सकते हैं पंडाल में भी। तो मैं जो भी पंडाल का जो समिति है, मैं उनको सबसे पहले मैं उनको प्रणाम करता हूँ, जिनके वजह से, जिनके सहयोग से मूर्ति पंडाल में रखा जाता है और हम लोग दर्शन करने माँ का आते हैं, देख रहे हैं ना। ये सबसे मतलब अच्छा पंडाल है मेरे अनुसार, आपके अनुसार कौन पंडाल है, देख रहे हैं ना। और 1 किलोमीटर तक सजावट किया गया, रोड का डेकोरेशन किया गया है यहाँ पे। तो आप लोग के लिए कौन सा पंडाल अच्छा है आप लोग अपना बताइए। मेरे अनुसार जो सबसे बेस्ट पंडाल ये है। और 1 किलोमीटर, मैं फिर से बता रहा हूँ, 1 किलोमीटर तक पूरा सजावट किया गया है, जो कि गोपालगंज में भी आप लोग को 1 किलोमीटर सजावट नहीं मिलेगा, रोड का केवल डेकोरेशन है, मूर्ति का डेकोरेशन अलग है। जब आप लोग रात को आइएगा तो समझ लीजिए मतलब दिल्ली और कोलकाता से भी बेस्ट आप लोग को यहाँ पर सजावट देखने को मिलेगा। लाइटनिंग इतना यहाँ पर अच्छा है, देख रहे हैं ना। अभी कुचायकोट में पंडाल सुबह का टाइम है, रात को बहुत बड़ी यहाँ पे मेला लगती है, गोपालगंज से भी ज़्यादा यहाँ पे भीड़ होता है, यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी भीड़ लगी है। सही बात है भाई साहब। तो मूर्ति यहाँ पे मतलब सबसे मतलब सोमवार को मूर्ति का विसर्जन होगा, अभी 2 दिन तक मेला रहेगा, बाकी जगह का मेला प्रशासन के द्वारा फोर्सिबली मतलब विसर्जन कराया भी जाएगा, मगर यहाँ का पंडाल सोमवार तक रहेगा। आप देख सकते हैं यहाँ मूर्ति सोमवार तक, मतलब 2 दिन तक आप यहाँ मेला आ सकते हैं। तो अभी ये डे का मेरा केवल वीडियो रहेगा, रात का वीडियो, नाइट वाला वीडियो मैं दूसरे पार्ट में अपलोड करूँगा। ये कुचायकोट का, ऐसे ऐसे कुचायकोट में 5 या 6 है, कन्फर्म नहीं है, मगर मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा कि मूर्ति कौन सा है। मैं इस पंडाल का भी नाम दे दूंगा कौन सा पंडाल का ही है। ये कुचायकोट का मतलब जो फील्ड है वहाँ का है।